हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा जनक्स मेहंदी ट्यूटोरियल्स। सो गाइस, आई होप यू मस्ट बी डूइंग वेरी वेल। एंड गाइस, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि मैं डेली दो वीडियोस डालती हूँ, एक सुबह 4 बजे, एक शाम को 5 बजे तक। और सुबह के वीडियो में मैं आप लोगों को ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करवाती हूँ, शाम वाली वीडियो में हम लोग मेहंदी डिज़ाइन प्रैक्टिस करते हैं। सो गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, और उसके साइड पे ही एक बेल आइकॉन होगा उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पे मिल पाएगी। सो गाइस, जो सुबह की जो ट्यूटोरियल वीडियोस हैं, लास्ट की दो वीडियोस में मैंने आप लोगों को फिंगर्स पे जो हम डिज़ाइंस बनाते हैं ना, उसकी कुछ वेरिएशंस दी हैं, जो मेरी फेवरेट वन है। वैसे तो बहुत सारी वेरिएशंस होती है फिंगर्स में, लेकिन उसमें जो है मेरी फेवरेट वन है। और अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो सच्ची आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आई बटन में आप जाइए देखिए, और अगर अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए गाइस, आज इस डिज़ाइन की ही बात कर लेते हैं। तो आज मैं फिर से ये बैक हैंड साइड पे एक बहुत ही इजी और बिल्कुल बेसिक वाला डिज़ाइन लेकर आई हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया जो मेरी अप्रोच है इजी टू डिफ़िकल्ट है। अभी तक हमने जितना भी प्रैक्टिस किया है, हम लोग उसी को ही डिज़ाइन में ड्रॉ करके देख रहे हैं। अब देखिए, इस डिज़ाइन में हमने क्या किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने वही बिल्कुल स्ट्रेट दो लाइन्स डाली हैं और मैंने उसके अंदर शेडिंग की है। और आप चाहें तो इस शेडिंग की जगह चेक्स भी बना सकते हैं। आप चाहें तो, मैंने तो दो लाइंस के बीच में गैप कम रखा है ना, आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा गैप रख लीजिए, उसमें चेक्स बना दिए या कोई बेसिक फ्लोरल पैटर्न बना दिए, या फिर कोई कटवर्क, जितने भी मैंने आप लोगों को करवाए हैं तो आप उनमें से कोई भी एक कटवर्क का पैटर्न यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि मैंने बिल्कुल ईजी से ईजी आपको कराने की यहाँ पर कोशिश की है। टफ वाले पे भी जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे, पहले ईजी चीज़ें तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। अब देखिए गाइस, कि जितनी भी वेरिएशंस मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मैं आपको बार बार रिमाइंड करवाऊंगी, आपको वो सब प्रैक्टिस करनी है। फॉर एग्जांपल, इसी डिज़ाइन को जो मैं आज अभी आपको करा रही हूँ, आपको पेन पेपर पे पहले प्रैक्टिस करना है, फिर जितनी भी वेरिएशंस मैं आप लोगों को बता रही हूँ वो सब की सब वेरिएशंस आपको फिर मेहंदी से प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि देखिए, मैंने अभी बताया आपको, जहाँ से हमने डिज़ाइन स्टार्ट किया है, मैंने तो बिल्कुल लाइन्स के बीच में गैप कम रखा है, आप ज़्यादा रखिए, उसके अंदर कटवर्क पैटर्न फिल कीजिए। आप चाहे तो उसके अंदर जो जितने भी चेक्स मैंने आप लोगों को कराए हैं आप वो फिल कीजिए। और जो ऊपर हमने क्या किया है, फिर देखिए, ऊपर हैंड को हमने दो पार्ट्स में, इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, और उसके ऊपर हमने फिर वही आउटलाइन की है, और उसके ऊपर हमने बेसिक जो ये पैटर्न है वो ड्रॉ किया है। अब इसके अंदर, इन दो डिज़ाइंस के अंदर, हमने जो बेसिक फिलिंग एलिमेंट्स हैं ना, हम वो फिल कर रहे हैं। अब देखिए, ज़रूरी नहीं है कि जैसे जो एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे फिल करें आपको भी वही करना है। आप चाहे इसमें कटवर्क भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इसके अंदर चेक्स भी बना सकते हैं। जितना मैंने अभी तक आपको कराया, आप कुछ भी कर सकते हैं। मैंने क्योंकि थोड़ा सा इजी करने के लिए आपको, मतलब यहाँ पे प्रेजेंट किया है, लेकिन आप कोई भी वेरिएशंस यहाँ पे बना सकते हैं। अब देखिए, मैंने जो हैंड का अपर पोर्शन है, एंड गाइस एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, हुआ क्या कि ना, रिकॉर्ड करते करते मेरे फ़ोन की बैटरी मतलब ख़त्म हो गई और फ़ोन स्विच्ड ऑफ हो गया। मुझे लगा कि वो चल रहा है, मैंने एक्चुअली चेक नहीं किया, मेरी मिस्टेक है। तो क्या हुआ, मैंने ये वाला पैटर्न कंप्लीट कर लिया जो अभी मैं ये ड्रॉ कर रही हूँ। तो क्या हुआ, फिर जब मैंने देखा तो फ़ोन तो स्विच्ड ऑफ है, तो फिर मैंने मतलब उसको पूरा का पूरा मतलब रब करके दोबारा किया। अब जैसे कि आप डिज़ाइन में देख रहे हैं कि ये ऑलरेडी कलर आ चुका है, तो मैंने ये रब करके ना दोबारा किया है। तो ये छोटे से मिस्टेक तो आप अवॉइड कर ही सकते हैं। अब देखिए, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये बेसिक वाला इंट्रिकेट यहाँ पर ड्रॉ करें। आप चाहिए तो इसको कम्प्लीटली ये नीचे वाला मत बनाइए, इसको ये वाली शेप बना दीजिए ऊपर से, इसे टेम्पल शेप बोलते हैं। ये बना के आप इसके अंदर जो बेसिक फिलिंग एलिमेंट्स हैं, जितने भी मैंने आपको कराए हैं, उनमें से आप कोई भी फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप चेक्स तो एटलीस्ट इसके अंदर फिल कर ही सकते हैं। तो मैंने, वैसे भी मैं करा सकती थी, लेकिन फिर मैंने कहा चलो नहीं, एक और एलिमेंट जोड़ लेते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है। अब देखिए, हमने ये कंप्लीट कर, हमने फिर क्या किया, आउटलाइन की है और उसके बाद ये डिवाइस यूज़ किया। अब देखिए, अब मैंने क्या किया था, मतलब ये ऊपर वाली शेप जिससे परफेक्ट आए, तो मैंने पहले यहाँ पे रेफरेंस लाइन ड्रॉ करी है, जिससे कि मुझे पता लग गया, हमें श्योर हो गया कि ये जो शेप मैंने बनाई है ठीक है। देन उसके बाद फिर मैंने ये जो थिक वाली आउटलाइन है इसकी की है।
उससे क्या होता है, मतलब बिगिनर को तो ये प्रॉब्लम होती है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने ऐसा किया है। पहले थोड़ी सी रेफरेंस लाइन ड्रॉ की, देन उसके बाद फिर मैंने इसकी आउटलाइन की। आप देखिए फिर एक और रेफरेंस हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है, जिससे कि क्या है कि डिज़ाइन को एक शेप मिल जाता है पर्टिकुलरली। अब इसके बीच में वही बिल्कुल बेसिक फिलिंग एलिमेंट्स ही यूज़ करूँगी। सो गाइस अब देखिए आप चेक भी बना सकते हैं इसमें, जो डिफरेंट टाइप्स के हमने चेक्स सोचा है। अब देखिए गाइस होता क्या है कि जैसे मैं आपको बताती ही रहती हूँ कि मेरा जो मतलब मेरा क्या एटीट्यूड है कि मतलब जो मोटिवेशन होता है ना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, और मतलब मोटिवेट होते ही रहना चाहिए। और मैं टाइम के टाइम आप लोगों को मतलब जो मोटिवेशनल स्टोरीज़ हैं वो शेयर करती रहूँगी। अभी क्या है कि वीडियो छोटी है, जब वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होगी ना तो मैं वीडियो एक्सप्लेन करने के साथ साथ आपको कोई ना कोई मोटिवेशनल स्टोरी ज़रूर सुनाऊँगी, जिससे कि आप लोगों को आगे जाके फ़ायदा होगा। अगर मैं अभी मोटिवेशनल स्टोरी सुना दूंगी तो फिर क्या है कि डिज़ाइन एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। अगर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी तो मुझे अच्छा लगता है कि जो जो मैं आप लोगों को करवा रही हूँ ना तो साथ के साथ एक्सप्लेन करूं, जैसे कि मेरे व्यूअर्स को कभी भी कोई भी मतलब प्रॉब्लम ना आए। अगर फिर भी आपकी कोई भी क्वेरी है ना तो आप उसे कॉमेंट बॉक्स में मतलब कॉमेंट कीजिए, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। एंड गाइस मुझे ईमेल से बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं, और जैसे आप अभी सपोर्ट करें आगे भी सपोर्ट करती रहिएगा। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू गाइस। एंड अब देखिए फिंगर्स पे हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। फिंगर्स पे भी मैंने वही कुछ बेसिक पैटर्न ही ड्रॉ करने की कोशिश की है। बिल्कुल हमने क्या किया, सबसे पहले एक थोड़ी सी थिक वाली लाइन ड्रॉ करी है, और उसी के साथ ही थोड़ी हमने थिन वाली लाइन्स ड्रॉ की हैं, और फिर बीच में हम लोग चेक बनाकर वही जो कॉर्नर्स पे हम चार डॉट्स डालते हैं वही वाला यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब इसमें आप और वेरिएशंस क्या कर सकते हो, जो लास्ट की जो मॉर्निंग वाली दो वीडियोस है ना उसमें मैं ऑलरेडी फिंगर्स वाले ना पैटर्न्स आप लोगों को करवा चुकी हूँ, आप जाइए वो देखिए सीखिए। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे तो मैंने सभी फिंगर्स पे एक ही डिज़ाइन ड्रॉ किया है, आप चाहे तो डिफरेंट भी ड्रॉ कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ फिंगर्स पे ओनली ये जो इंट्रिकेट्स मैं बना रही हूँ ये ड्रॉ कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं आप इसके अलावा, आप इस पे पूरा का पूरा जो टीयर ड्रॉप एलिमेंट है वो भी ड्रॉ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको और चाहिए तो आप वो जो वीडियोस हैं जिसमें मैंने फिंगर्स पे डिज़ाइन ड्रॉ करना सिखाया है आप वहाँ जाइए उन्हें देखिए सीखिए प्रैक्टिस कीजिए, और फिर ये वाला डिज़ाइन भी प्रैक्टिस कीजिए। सो गाइस इसे जो नेक्स्ट मतलब जो मॉर्निंग ट्यूटोरियल वाली वीडियो है उसमें मैं आप लोगों को बॉर्डर एलिमेंट सिखाऊंगी। उसमें क्या होता है कि जब भी कोई बिगिनर मतलब मेहंदी लगाना स्टार्ट करता है तो वो कन्फ्यूज़ हो जाता है, क्योंकि अभी उसको इतना ज़्यादा प्रैक्टिस उसने नहीं की है तो वो कन्फ्यूज़ हो जाता है कि डिज़ाइन स्टार्ट करें तो कैसे करें। तो कल वाली वीडियो में मैं आप लोगों को यही सिखाऊंगी, तो आप मेरी वीडियोज़ वो वाली वीडियो देखिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो भी कमेंट कीजिएगा, अगर ख़राब लगी है तो भी मुझे एटलीस्ट बताइएगा कि क्यों ख़राब लगी है, इसमें क्या आपको ख़राब लगा है, जिससे कि मैं आगे उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। एंड गाइस मैं आप लोगों के साथ एक और टिप शेयर करना चाहूँगी, होता क्या है मतलब जो बिगिनर है उनको क्या प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये चीज़ मुझे भी स्टार्टिंग में मैंने भी ये वाली गलतियाँ की थी, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे व्यूवर्स कोई भी गलती करे। तो देखिए आपको क्या करना है, जब भी आप टिप्स फिल करते हैं ना तो मैंने देखा है कुछ लोग क्या करते हैं एक साथ मतलब बहुत सारी मेहंदी फिंगर पे डाल देते हैं और उसे मतलब अपनी फिंगर से फिर स्प्रेड कर देते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आप जो टिप पे जो हमारी फिंगर की शेप होती है यू होती है ना, तो आपको क्या करना है पहले उसकी साइड साइड पे आउटलाइन बनानी है, तो फिर उसके अंदर आपको मेहंदी जो है यू शेप में ही कोन को चलाना है। ऐसा नहीं है कि एक साथ ही डाल दिया फिर उसको उंगली से स्प्रेड कर दिया। अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, जब मेहंदी का स्टेन आएगा ना टिप्स पे तो वो ना धब्बे धब्बे पड़ जाएंगे, वो इवन स्टेन नहीं आएगा। तो मेरे व्यूअर होने के नाते आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने ये गलती बहुत की है। तो अगर आप इसे अभी से ही करेक्ट कर लेंगे तो आगे जा के आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बहुत ही जल्दी परफेक्ट हो जाएंगे किसी भी काम में। सो गाइज अब देखिए ये जो चेक्स हमने ड्रॉ किए, मैं इनमें क्या करूँगी मतलब इनका जो जॉइंट है उसके चारों तरफ जो फोर डॉट्स डालूंगी। अब फोर डॉट्स डालने का तरीका क्या है, ऑपोजिट कॉर्नर में पहले एक कॉर्नर पे फिर दूसरे कॉर्नर पे डॉट्स डालना है, और मतलब ऑपोजिट कॉर्नर्स पे डालना है। कुछ लोग क्या करते हैं बिल्कुल सीधा पहले एक पे डाला फिर दो पे, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अब देखिए जैसे कि मैं कर रही हूँ यहाँ पे ऑपोजिट कॉर्नर से ही आपको स्टार्ट करना है, देखिए, और जो इसकी साइड्स हैं उसको भी फिल करना है। उससे क्या है कि डिज़ाइन जो इनकम्प्लीट बिल्कुल भी नहीं लगेगा।
तो साइड्स को तो आपको इग्नोर करना ही नहीं है। सो गाइस, आई होप के वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अगर अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा पोर्शन अच्छा नहीं लगा है, और जो पोर्शन अच्छा लगा है तो वो भी बताइएगा। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। एंड गाइस, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, एंड बी अवेयर एंड स्प्रेड अवेयरनेस। हम सुरक्षित हैं तो फैमिली भी सुरक्षित है। बाय बाय।